ये वड्डे पद्धर के उत्ते सिख जथेबंदियां निहंग सिंघां दियां जथेबंदियां विदेशां दे सिख इत्थे जिहड़े इस पंजाब दे विच सिख पंथ दर्दी उन्हां सारयां ने हिस्सा लिया। 3 घंटे लगातार ये मीटिंग दे विच सारयां ने अपने विचार प्रगट कीते। श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती हेठ सारयां ने निर्णय किया कि सिंह साहब जिहड़ा कोई प्रोग्राम देणगे उहदे उत्ते फुल चाढ़ांगे। सो सिंह साहब ने अज सीधे लफ्जां दे विच 24 घंटे का सरकार नूं नोटिस दिता कि जिन्हें भी फड़े आ वह सारे 24 घंटिया रिहा किए जा, जे नहीं रिहा किए जाते फिर उहदा अगला कदम जिहड़ा आ वह लोगों दियां फिर सत्तां दे विच पिंडां दे विच शहरां दे विच वख-वख बहीरां बना के उहदा फिर वो प्रचार नहीं किया जाऊगा, वो वड्डे पद्धर ते लोगों नूं उहदे बारे अवेयर भी किया जाऊगा कि साडे नाल किड्डा वड्डा जिहड़ा आ उह धक्का हो रहा। सो इह अज दा जिहड़ा मूल रूप दे विच सिंह साहब ने सारा आदेश किया आ उहदे नाल एक चेचे तौर ते जिहड़ा क्योंकि नैशनल मीडिया वह नैशनल मीडिया ने पिछले दिनों दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते बदनामी की सिखां दी आन ते शान नूं ढा लाई आ, वह भी सिंह साहब ने आदेश किया कि वह नैशनल चैनल जिन्हां ने इस गल नूं बधा चढ़ा के सिखां नूं देश ते विदेश ते समुची दुनिया दे विच एक बदनाम करन दा जतन किया वह भी जिहड़ा आ उहनां दे उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी कार्रवाई जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईआं होर भी चारा जोरी करनी पई वह भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्हें भी नज़रबंद आ साढ़े हुण मौजूद आ इन सारयां नूं खुला सदा इन्हां दे परिवारां नूं भी चाहे NSA लगी उन्हां नूं भी असीं हाई कोर्ट च चैलेंज करांगे वह सारे परिवार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अप्रोच करन क्योंकि उहदे विच मुख्तियारनामे की लोड़ हुंदी आ उन्हां सारयां दी पैरवही जिहड़े साडे वकील पैनल असीं नियुक्त कीते वह पैरवही करनगे ते जे उन्हें अपने वकील किए ते उन्हां दी फिर असीं जिहड़ी उह फाइनैंशियल तौर पर जिहड़ी आ उह अमदाद करांगे। श्रोमणी कमेटी सारी खुली है, सकत्तर नूं मिल लैण, मैनूं मिल लैण, जनरल सकत्तर नूं मिल लैण, सीनियर मीत प्रधान नूं, किसी मैंबर नूं मिल लैण, कोई दिक्कत नहीं। खुली समुची संगत ने बहुत संयुक्तता दे नाल इह सारे विचार दिते आ, कोई बड़े ठरमे दे नाल सिंह साहब नूं सारयां ने अधिकार दिते आ। ते मैं कह सकदा इह पहली मीटिंग होनी लंबे समय तों बाद जिहदे विच भाईचारक ते गुरमत दी जिहड़ी ओह सांझ ओह साफ झलकदी।